हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी सेफ हैं और आपके परिवार वाले भी सेफ हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाई थी, जिसकी मदद से आप अपने ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहले हिस्से में हम सीखेंगे स्पाइनल मोबिलिटी और क्यों वो हमारे ब्रीदिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा हिस्से में एक छोटा वर्कआउट प्लान है, ये उन लोगों के लिए है जो COVID-19 वायरस से अफेक्ट होने के बाद लड़कर वापस आए हैं और फिर भी उन्हें ये महसूस होता है कि उनकी जो मांसपेशियां हैं, जो उनके मसल्स हैं, उसमें अब वैसी ताकत नहीं रही जैसा उनके अफेक्ट होने के पहले थी। तो उन एक्सरसाइज को करके आप अपनी मसल स्ट्रेंथ, अपनी मांसपेशियों की ताकत को वापस हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानना चाहिए कि ये स्पाइनल मोबिलिटी क्या है। स्पाइन यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे सांस लेने के तरीके में। क्यों? क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, वो हमारे छाती के अंदर हैं, और जो ये छाती है, जो चेस्ट है, रिबकेज यानी कि जो पसलियाँ हैं, वो यहाँ से शुरू होकर पीछे रीढ़ की हड्डी तक जाती हैं और वहाँ अटैच होती हैं। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा जो ये रिबकेज है, जो ये हमारी पसलियाँ हैं, वो हर सांस के साथ ऊपर और नीचे और साथ ही बाहर और अंदर मूव करती हैं। तो अगर हमारा पॉस्चर खराब होता है या हमारी रीढ़ की हड्डी जरूरत से ज़्यादा मुड़ी हुई होती है तो हमारी सांस लेने की क्षमता अच्छी नहीं होती है। हम सभी जानते हैं कि पिछले एक साल से हम अपने घर में बंद हैं, क्योंकि इस कोविड के काल में हम लोग सब लोग वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से ही काम कर रहे हैं, और इवन वो लोग जो अभी अभी ठीक होकर हॉस्पिटल से वापस आए हैं। तो क्या होता है कि हम दिन भर घर में बैठे हुए रहते हैं, उसकी वजह से हमारा पॉस्चर खराब हो जाता है या खराब हो गया है, तो वो हमारे सांस लेने के क्षमता को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब मैं सीधा बैठा हूँ, एक अच्छे पॉस्चर को मेंटेन कर रहा हूँ, तब जो मेरी सांस लेने का जो तरीका है उसको ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा, जब मैं सांस ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं तो मेरा जो छाती है, जो चेस्ट है, वो ऊपर और नीचे, और मेरा पेट भी मूव कर रहा है, क्योंकि ये डायफ्राम का जो एक्शन होता है, डायफ्राम एक मसल होता है मांसपेशियों की, जो हमारे सांस लेने में मदद करता है। अब आप देखिए, जब हम एक खराब पोस्चर में बैठते हैं तब देखिए कैसी होती है ब्रीदिंग। जब हम एक खराब पोजीशन में बैठते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं उन्हें अच्छे से फूलने का मौका नहीं मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं रीढ़ की हड्डी की वो एक्सरसाइजेस यानी स्पाइनल मोबिलिटी, जिससे कि आप अपनी सांस लेने की क्षमता को और सांस लेने के तरीके को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस सभी लोगों के लिए है, वो लोग भी जो लोग अपने घरों में लंबे समय तक टीवी या लैपटॉप के सामने वक्त बिता रहे हैं और उनका पोस्चर खराब हो रहा है, ये उनको भी मदद करेगा, और उन सभी लोगों के लिए जो अभी कोविड से लड़कर हॉस्पिटल से वापस आए हैं और उनके ब्रीदिंग पैटर्न अफेक्टेड है, ब्रीदिंग का जो सांस लेने का जो तरीका है वो अफेक्टेड है, उन्हें भी इससे मदद मिलेगी। तो दोस्तों, जो पहली एक्सरसाइज है वो है रोटेशन और साइड बेंड। तो क्या करना है इसमें, एक स्टूल पर बैठें, दोनों हाथों को ऐसे सर के पीछे लगाएं और जितना रोटेट हो सकते हैं रोटेट करें, फिर साइड बेंड करें और इस पोजीशन में सांस लें और छोड़ें। फिर बाएं साइड भी करें। दोनों तरफ 10-10 बार रिपीट करें। हमारे दूसरे एक्सरसाइज के लिए हम एक फोम रोलर का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप एक टॉवल को भी अच्छे से टाइटली फोल्ड कर सकते हैं या एक तकिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस रोलर को हम अपने पीठ के हिस्से के पीछे रखेंगे
और हम उसके आधा लेट जाएंगे, अपने घुटनों को बेंड रखेंगे और हम अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए सांस लेंगे और वापस आते समय सांस छोड़ेंगे। धीरे धीरे करें। ऐसा आप 10 बार रिपीट करें। तो दोस्तों, तीसरी एक्सरसाइज करने के लिए हमें एक एक साइड करवट लेके देखना होगा। कुछ इस तरह से लेटे कि आपका जो ऊपर का पैर है वो आपके कमर के लेवल पर आए, आपका जो हाथ है वो ऐसे खुला हुआ रहना चाहिए और दूसरा हाथ उसके ऊपर आना चाहिए। जब हम सांस लेंगे तो हाथों को खोलेंगे और जब हम सांस छोड़ेंगे तो हाथों को बंद करेंगे, कुछ इस तरह से। जितना हो सके उतना हाथों को खोलें और फिर बंद करें। आप चाहें तो यहां पे तकिया भी रख सकते हैं। अब दूसरी तरफ लेटेंगे। याद रखिए, ऊपर का पैर कमर के लेवल तक, दूसरा पैर सीधा रहेगा, हाथ खुला हुआ रहेगा। ऐसा आप 5-5 बार या 10-10 बार दोनों तरफ करें। दोस्तों, चौथी एक्सरसाइज को कैट एंड कैमल बोलते हैं। इसे ऐसे हाथों और घुटनों पे आके शुरू करना है। याद रखिए, जो घुटने हैं वो कमर के नीचे और जो हाथ है वो आपके कंधों के नीचे आएंगे। तो जब आप अपने स्पाइन को नीचे खींचेंगे, अपने सर को ऊपर देखेंगे, और जब आप अपने स्पाइन को ऊपर खींचेंगे तो अपने सर को नीचे, कुछ इस तरह। ऐसा 5-10 बार करें। तो दोस्तों, अगली एक्सरसाइज हमारे डायफ्राम के लिए है। उसे करने के लिए आपको ऐसे साइड में लेटना है, अपने हेड को या तो पिलो से या अपने हाथों से सपोर्ट करें, अपने घुटनों को अपने कमर के लेवल पे रखें और ऊपर वाले हाथ को कुछ इस तरह से ऊपर लेके जाना है जैसे कि आप सामान को पकड़ने जा रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो चेस्ट है, आपका जो छाती है, उतना नहीं मूव करेगा और वो मसल स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, हाथों को ऊपर लेके जाना है जैसे कि हम किसी चीज को छूने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा चेस्ट यहाँ से ऊपर आ रहा है जिससे कि वो मसल स्ट्रेच हो रहा है। उस पोजीशन में आने के बाद हमें सांस लेनी है और छोड़नी है। अगर आप हाथों को सिर्फ लूज रखेंगे तो ये नहीं होगा, इसीलिए याद रखें कि हाथ को कुछ इस तरह से लेके जाएं जैसे कि किसी सामान को छूना है और फिर लंबी सांस लें और छोड़ें। ये करने के बाद इसका जो दूसरा भाग है उसमें आप अपने दोनों हाथों को सर के पीछे रखें और रोटेट करें
और फिर सांस लें और छोड़ें। ये दोनों चीजों को 10-10 बार करें। करने के बाद आप एक चीज इस तरफ भी रिपीट करें। याद रखें हाथों को ऊपर लेके जाएं और खींचें, फिर सांस लें और छोड़ें। दूसरा भाग, दोनों हाथों को सर के पीछे रखें, रोटेट करें और सांस लें और छोड़ें। रहेगी इन दोनों को 10-10 बार रिपीट करें। तो दोस्तों हमारे वीडियो का पहला हिस्सा खत्म हो गया है, वो एक्सरसाइजेस थी स्पाइनल मोबिलिटी के लिए। अब हमारे आगे के वीडियो में हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि आप घर पे आसानी से कर सकते हैं, जिससे आप अपनी मसल स्ट्रेंथ वापस हासिल कर पाएंगे।